नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 मार्च 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे मिनिमम इनकम स्कीम के बारे में है। कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो देश के 20% परिवारों को हर एक महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे और सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे इशू को, मिनिमम इनकम स्कीम को, और साथ ही साथ यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के बारे में भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नीचे ये आर्टिकल देखो, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में अटैक हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने डिक्लेयर किया कि वो मिलिट्री स्टाइल्ड सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स को बैन कर देंगे। और इसी प्रकार का बैन ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही लग चुका है, जब वहाँ पर एक गनमैन ने 35 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। यूएसए में काफ़ी बार इस प्रकार की शूटिंग्स होती रहती हैं। अलग अलग आइडियोलॉजी से जो प्रभावित लोग हैं वो इस प्रकार की शूटिंग्स करते रहते हैं, और बार बार यूएसए में ये मांग भी उठती रहती है कि वहाँ पे गन्स पर बैन लगाया जाए, लेकिन यूएसए में गन्स पर बैन नहीं लग पा रहा है। एक रीज़न देखो इसका ये भी है, यूएसए में गन्स को खरीदना लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। लेकिन यूएसए की सरकार को भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा, ताकि यूएसए में बार बार जो शूटिंग की घटनाएं हो जाती हैं और निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं, ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। बीच में ये बड़ा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम में पेमेंट के डाइवर्जन से संबंधित है। डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल ब्रेक्जिट से संबंधित है, ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रेक्जिट से संबंधित इश्यू में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। दूसरे पेज पे यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, राजनीति से संबंधित आर्टिकल है, नहीं इम्पोर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में पेमेंट्स के डाइवर्जन से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2017 में एक मामला प्रकाश में आया, मान लीजिए कोई पर्सन है रामलाल को LPG सब्सिडी का पैसा प्राप्त करना था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत SBI के अकाउंट में। लेकिन रामलाल हैरान हो गया क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका था लेकिन SBI अकाउंट में पैसा नहीं आया था। रामलाल गया अथॉरिटीज के पास और शिकायत की, लेकिन अथॉरिटीज ने कहा कि हमने LPG सब्सिडी का पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। और बहुत जाँच के बाद पता लगा रामलाल का जो एयरटेल अकाउंट है, एयरटेल वॉलेट है, जैसे पेटीएम का अकाउंट होता है, गूगल पे होता है, उसी प्रकार से एयरटेल का अकाउंट होता है। LPG सब्सिडी का पैसा रामलाल के एयरटेल वॉलेट में पहुंच गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, रामलाल को ये पता ही नहीं था कि मेरे नाम पे कोई एयरटेल का अकाउंट खुल गया है और एयरटेल के वॉलेट में पैसा मौजूद है। ऐसा सिर्फ एक रामलाल के साथ नहीं हुआ, ऐसा लाखों रामलाल के साथ हुआ। उनकी LPG सब्सिडी का पैसा पहुँच गया एयरटेल वॉलेट में, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि उनके नाम पे एयरटेल अकाउंट ओपन हो चुका है। तो बाद में एयरटेल की शिकायत की गई तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरटेल को कहा कि आप बेनिफिशरीज की सब्सिडी का पैसा लुटाइए। उन्होंने लुटाया और UIDAI ने एयरटेल पर फाइन भी लगाया, और वर्ल्ड ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि लोगों की सब्सिडी का जो पैसा है वो एयरटेल वॉलेट में पहुंच गया। रीजंस क्या थे जिसकी वजह से बेनिफिशरीज की सब्सिडी का पैसा पहुंचा एयरटेल वॉलेट में, और जिन अकाउंट्स में पैसा पहुंचना चाहिए था वहां पे पैसा नहीं पहुंचा। आर्टिकल में कहा जाता है, ये देखो एग्जांपल है डाइवर्टेड पेमेंट्स का। डाइवर्टेड पेमेंट्स में क्या होता है, बेनिफिशरीज के रोंग अकाउंट्स में सब्सिडी का जो पैसा है वो पहुँच जाता है, और इसके लिए बेनिफिशरीज की कंसेंट नहीं ली जाती, उनको पता भी नहीं होता बहुत बार, तो उनकी नॉलेज के बिना ऐसा हो जाता है। और पिछले कुछ सालों में डाइवर्टेड पेमेंट्स के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इससे जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ओल्ड एज पेंशनर्स, मनरेगा के जो वर्कर्स हैं वो, और दूसरे बेनिफिशरीज भी प्रभावित हुए हैं डाइवर्टेड पेमेंट्स की वजह से। आर्टिकल में कहा जाता है मेन जो दोष है, मेन कल्प्रिट है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। यहाँ पर नीचे देखिए ABBS, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम,
ये मेन कल्प्रिट है डाइवर्टेड पेमेंट्स का। देखो ये जो APBS है ना, ये एक प्रकार से ब्रांच है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। मेन आइडिया, मेन काम APBS का ये है, देखो जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको बार बार सब्सिडी का पैसा हासिल करने के लिए अपनी बैंक डिटेल्स ना देनी पड़े, ये ना बताना पड़े कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, IFSI कोड ये है। सीधा जो उनका आधार नंबर है वो उनका बैंक नंबर बन जाए। ये काम है APBS का, यानी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का। और देखो किसी भी बैंक अकाउंट को इंडेक्ट करने के लिए APBS के द्वारा दो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहले स्टेप्स में तो बैंक अकाउंट को सीड किया जाता है कस्टमर के आधार नंबर से। फिर से बोलता हूँ, पहले स्टेप में APBS के द्वारा बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट नंबर को सीड किया जाता है आधार नंबर से, और इसके लिए कंसेंट ली जाती है बेनिफिशियरी की। बेनिफिशियरी से पूछा जाता है कि भैया आपके इस बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, मतलब आप चाहते हो आपकी सब्सिडी का जो पैसा है वो इस अकाउंट में आए। उसके बाद दूसरे स्टेप में NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी जो अकाउंट है उसकी मैपिंग की जाती है। तो ये दो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं APBS के द्वारा। और अगर देखो एक बेनिफिशियरी के मल्टीपल अकाउंट्स की मैपिंग हुई है, मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी है रामलाल का जो SBI अकाउंट है वो भी मैप्ड है, PNB अकाउंट है वो भी मैप्ड है, और रामलाल को पता भी नहीं एयरटेल अकाउंट भी ओपन हो चुका है, तो कौन से अकाउंट में सब्सिडी का पैसा जाएगा? देखो APBS ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में पैसा भेज देता है जिसकी सबसे लेटेस्ट मैपिंग हुई है। मान लीजिए कल ही रामलाल का एयरटेल का अकाउंट ओपन हुआ है, तो एयरटेल के अकाउंट में ही पैसा भेजा जाएगा APBS के द्वारा। लेटेस्ट जो अकाउंट की मैपिंग हुई है ना, उसी में पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई 2014 में सरकार ने जनधन योजना चलाई। सरकार चाहती थी बेनिफिशरीज का पेंशन का पैसा, सेकुलरशिप का पैसा, सब्सिडी का पैसा, मनरेगा के वेजेस सब बेनिफिशरी के बैंक खाते में पहुंच जाएं। इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर जनधन स्कीम के अंतर्गत बैंक खाते ओपन किए और बैंकों को आदेश दिया कि आप बैंक अकाउंट्स को सीड कीजिए आधार के साथ। तो बैंकों ने बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट्स को आधार नंबर्स के साथ सीड करना स्टार्ट किया। लेकिन बैंक वालों ने दिक्कत ये की, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी, वेरिफिकेशन नहीं की गई। जब भी देखो बैंक अकाउंट को सीड किया जाता है आधार के साथ, एक तो कंसेंट लेना जरूरी होती है बेनिफिशरीज की, दूसरा वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है, लेकिन बैंक वालों ने सीधा सीधा बैंक अकाउंट्स के साथ आधार को सीड करना स्टार्ट कर दिया बिना वेरिफिकेशन के, बिना बेनिफिशरीज के कंसेंट लिए। तो ये सारा आधार सीडिंग से संबंधित मैस क्रिएट करने के बाद बैंक्स को लगा, अरे भैया ये तो गलत काम हो गया, इसे तो हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि बेनिफिशरीज की EKYC करवाने से ये सारा मैस ठीक किया जा सकता है। तो बैंक्स ने बेनिफिशरीज की EKYC करना स्टार्ट किया। EKYC का मतलब कस्टमर्स को बुलाया गया बैंक्स में ताकि उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो सके और आइडेंटिटी जो है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सके। जल्द से जल्द काम करने के चक्कर में बैंक्स ने डेडलाइन भी रख ली कि बेनिफिशरीज को इस डेट से पहले पहले EKYC करवाना है। बेनिफिशरीज की कोई गलती नहीं, बैंक्स अपनी गलती सुधारने के लिए सारे काम कर रहा है, और डेडलाइन भी रख दी गई कि इस डेट से पहले पहले आपको EKYC करवाना है। अब सोच के देखो जो गरीब लोग हैं, दूर दराज में लोग हैं, कई बार उनको नहीं पता लग पाता, पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। खास करके जो ओल्ड एज पेंशनर थे वो समय पे EKYC नहीं करवा सके, और इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सीधा सीधा पेंशन का पैसा एकदम से उनके बैंक अकाउंट में आना बंद हो गया। उनको लगा ये क्या हो गया, एकदम से पैसा आना क्यों बंद हो गया? बैंक्स वालों ने कहा कि आपने EKYC नहीं करवाया। तो कुछ महीने तक सफर करना पड़ा ओल्ड एज पेंशनर्स को और दूसरे बेनिफिशरीज को, लेकिन उनकी गलती कोई भी नहीं थी। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम सिर्फ डाइवर्टेड पेमेंट्स की नहीं है,
काफ़ी बार तो बेनिफिशरीज को पेमेंट मिल ही नहीं पाती, पेमेंट रिजेक्ट हो जाती है, काफ़ी बार छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पेमेंट काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। और देखो, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मान लीजिए किसी बेनिफिशरी को सब्सिडी का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि पेमेंट संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ओपेक पेमेंट सिस्टम है। मान लीजिए किसी बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है, वो जाता है बैंक मैनेजर के पास। बैंक मैनेजर की इंटेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर हेल्प नहीं कर पाएगा उस बेनिफिशरी की। राइटर अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। राइटर कहते हैं, हमने खुद ने डाइवर्टेड पेमेंट्स के कुछ केसेस हैंडल किए और हमें हफ्तों लग गए ये समझने में कि प्रॉब्लम आखिरकार कहाँ आ रही है, तब जाके हम प्रॉब्लम को दूर कर पाए। यानी सिस्टम बहुत ज़्यादा ओपेक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक बार प्रॉब्लम आने के बाद बड़ी मुश्किल से सोल्व होती है। लास्ट चीज़, राइटर देखो ये कहते हैं, APBS यानी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम को जो एजेंसीज प्रमोट कर रही हैं, या फिर रिलेटेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को जो एजेंसीज प्रमोट कर रही हैं, जैसे RBI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमने इन एजेंसीज को बताया कि सर जी देखो ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कोई एजेंसी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखती है। इसी प्रकार से NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि कंसेंट लेना ज़रूरी है आधार सीडिंग में, अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो क्या कार्रवाई हो सकती है, कौन कार्रवाई करेगा, इस मामले में भी पूरी तरह से ओपेकनेस है। मतलब कोई भी एजेंसी जो है वो इंचार्ज है ही नहीं NPCI की तरफ से जो गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए। RBI वैसे यहाँ पे नॉमिनल रेगुलेटर है, लेकिन रियल एक्शन जो होता है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, UIDAI की तरफ से होता है। वैसे देखो UIDAI समय समय पर थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक बदलाव करती रहती है अपनी कार्य प्रणाली में, लेकिन आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यों की त्यों बरकरार हैं। अब समय आ गया है कि UIDAI इन पर ध्यान दे और एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए जो प्रॉब्लम्स अभी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से संबंधित आ रही हैं उनको रिव्यू करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिनिमम इनकम स्कीम के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मिनिमम इनकम स्कीम को लागू करेंगे। इस स्कीम के तहत देश के 20% गरीब परिवारों को, यानी 5 करोड़ फैमिलीज को, हर एक महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी एक साल में 72 रुपये दिए जाएंगे देश के 20% गरीब परिवारों को, यानी 5 करोड़ फैमिलीज को। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। कुछ समय पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री किसान स्कीम भी लॉन्च की गई है, जिसके तहत वो किसान जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं या फिर 5 एकड़ से कम भूमि पर खेती करते हैं उनको एक साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ये है प्रधानमंत्री किसान स्कीम जो लॉन्च हो चुकी है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं बताया है कैसे इतनी बड़ी स्कीम को फाइनेंस किया जाएगा। अगर मिनिमम इनकम स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए पैसा चाहिए 3.6 लाख करोड़। ये देखो फूड सब्सिडी का 2 गुना ज़्यादा है और फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है उसका 5 गुना ज़्यादा है। तो इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? क्या ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं उन्हें बंद किया जाएगा? अगर देखो ऑलरेडी चल रही स्कीम्स को बंद करके इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती है तो ये स्कीम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होने वाली है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने की है। एक तो देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये एक सोर्स हो सकता है बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन पहले भी जाहिर हो चुका है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और ये फुल प्रूफ सोर्स नहीं है बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित जो डेटा है अभी पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, वैसे देखो ये जो आइडिया है पूरी तरह से गलत नहीं है, काफ़ी तरह के सर्वे से ये बात साबित हो चुकी है। अगर इनकम सपोर्ट
गरीब लोगों को दिया जाता है तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। हमारे देश में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं या फिर बेरोजगार लोग हैं, उनको अगर थोड़ा बहुत इनकम सपोर्ट मिल जाता है तो वो अपनी लाइफ ठीक से व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन डर ये भी लगता है कि बहुत से लोग जिनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलने लगेगा तो वो काम करना छोड़ देंगे। वो सोचेंगे हमें इतना तो पैसा मिल रहा है तो फिर काम करने का क्या फ़ायदा। आर्टिकल में कहा जाता है इस चीज़ को देखो कंपनसेट किया जा सकता है, अगर ग्रामीण इलाकों में लोगों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा तो वो मार्केट में अपने पैसों को लेके जाएंगे, खर्च करेंगे, तो कंजप्शन जो है ग्रामीण इलाकों में वो बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ेगा मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के बारे में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था 14 जनवरी को, वो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित जो आर्टिकल था उसे आप रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। मतलब क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में? सिंपल डेफिनेशन देखो यहाँ पर है, पीरियोडिक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र टू एवरी सिटीजन इन द कंट्री। सरकार देश के हर एक नागरिक को, चाहे नागरिक कैसा भी हो, उसकी सोशल कंडीशंस कैसी भी हों, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी भी हों, काम कर रहा हो ना कर रहा हो, कोई भी हो, बिना शर्त के सरकार देश के हर एक नागरिक को पीरियोडिक कैश ट्रांसफ़र करें। अब पीरियोडिक यहाँ पे देखो एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। आमतौर पे जैसे पेंशन प्रोवाइड की जाती है हर एक महीने प्रोवाइड की जाती है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हर एक महीने प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक का मतलब देखो यहाँ पर ये है कम से कम इतनी इनकम कि सभी लोग अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के समय के हिसाब से अगर 3,000 रुपये एक पर्सन के लिए सफिशियंट हैं जीवन यापन करने के लिए, तो देश के सभी नागरिकों को 3,000 रुपये दिए जाएं, कोई भी हो, अंबानी हो, अदानी हो, रिक्शा चालक हो, कोई भी हो, सबको 3,000 रुपये दिए जाएं एक महीने में ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार से हमने बेसिक कंसेप्ट जाना यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। अब हम इस स्कीम के फ़ायदों की बात करेंगे और फ़ायदे डिस्कस करने के बाद डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, चैलेंजेस की बात करेंगे। राइटर सबसे पहले कहते हैं 2010 से 2013 के बीच मध्य प्रदेश में और वेस्ट दिल्ली में इस प्रकार की स्कीम चलाई गई थी पायलट बेसिस पे, यानी टेस्ट करने के लिए अगर इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती है तो कितना फ़ायदा हो सकता है। राइटर कहते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स सामने आए जब पायलट बेसिस पर यह स्कीम चलाई गई थी। जिन लोगों को एक निश्चित इनकम दी गई थी हर एक महीने, उन लोगों में या फिर उन फैमिलीज में न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा, क्योंकि वो काम तो कर ही रहे थे लेकिन उनके पास जो एक्स्ट्रा इनकम आई उससे वो खाने के लिए अच्छी चीज़ें खरीदने लगे, तो इसलिए उनमें न्यूट्रिशन का लेवल इम्प्रूव हुआ, सैनिटेशन इम्प्रूव हुआ, हेल्थ और हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ, स्कूल अटेंडेंस बढ़ी, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी कि उनको एक्स्ट्रा इनकम जब मिली तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना प्रेफर किया बजाय के चाइल्ड लेबर करवाने के। नेक्स्ट पॉइंट, वुमन का स्टेटस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ, क्योंकि देखो वैसे तो धीरे धीरे अब सिचुएशन चेंज हो रही है शहरों में, लेकिन गाँव की बात करें आज भी हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्कल समाज है। वुमन के पास फाइनेंशियल ऑटोनमी नहीं होती क्योंकि महिला घर पर रहती है और पुरुष बाहर जाके काम करता है, तो महिला पैसों के लिए डिपेंड करती है हस्बैंड पे, लेकिन उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सहायता से कुछ बेसिक इनकम मिलती है तो महिला इंपावर्ड फील करती है, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनमी आती है, इससे वुमन का स्टेटस इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेबल्ड और वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन भी काफ़ी इंप्रूव हुई इस स्कीम की वजह से। सबसे लास्ट में वर्क की क्वालिटी और जो अमाउंट है वो भी इंप्रूव हुआ। तो ये सारे फायदे बताते हैं राइटर जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पायलट बेसिस पे चलाई गई थी मध्य प्रदेश और वेस्ट दिल्ली में, ये सब फायदे देखने को मिले। कुछ और फायदे भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के। जैसे देखो ये स्कीम इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक लिबर्टी प्रोवाइड करती है,
ये एक प्रकार से इंश्योरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। आपको पता है नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होकर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे देखो एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं पहले से कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस सिचुएशन में इस प्रकार की स्कीम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये स्कीम एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस का काम करेगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपको पता है आज के समय में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सोसाइटी में अगर देखो स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश करनी है तो वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी वो किस लिए आई थी, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब समाज में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, कैओस बढ़ता है, लोगों का सिस्टम के प्रति नाराजगी बढ़ती है अगर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी समाज में होती है। नेक्स्ट, काफ़ी बार देखो पैसे नहीं होते तो मजबूरी में कोई भी जॉब लेनी पड़ती है, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, लेकिन बेसिक इनकम हर एक को जब प्राप्त होगी तो वो अपने हिसाब से जॉब चूज कर सकेंगे, मजबूर नहीं होना पड़ेगा किसी को भी खराब वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी सरकार वैसे बहुत सारी स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों के भले के लिए, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना। बहुत बार ऐसा होता है जो संपन्न लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से, गलत तरीके से सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही इन स्कीम्स का लाभ उठा लेते हैं। और बिल्कुल काफ़ी बार ऐसा होता है जो डिजर्विंग लोग होते हैं वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं होता या फिर दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता। एक बार ये स्कीम चलेगी तो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, सरकार देखो वैसे बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं, उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर देश के हर एक नागरिक में सीधा सीधा हर महीने पैसा जाएगा तो कितना करप्शन बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में, लेकिन इस प्रकार की स्कीम जब चलाई जाएगी तो दूसरी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने पर जो ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट आती है उसको बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जब इतने बड़े स्केल पर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम चलाई जाएगी तो फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, गांव-गांव में बैंक खुलेंगे और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे देखो प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है एग्रीकल्चर का। अभी एग्रीकल्चर जो लेबरर हैं उनके पास छोटा सा लैंड है लेकिन रिस्की है खेती करना, इसलिए वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। जब उनके पास बेसिक इनकम होगी, उन्हें पता है सरकार उन्हें हर एक महीने कुछ तो कुछ इनकम देगी, तो वो अपने खेत में खेती करेंगे तो इससे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। तो ये सब हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के। अब हम बात करते हैं इस स्कीम के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है वो ये है, अगर इस प्रकार की स्कीम आती है तो लोग आलसी हो जाएंगे, लोग काम करना छोड़ देंगे, उन्हें पता है हर एक महीने बेसिक इनकम तो उन्हें प्राप्त होगी ही, तो इस वजह से जो डिपेंडेंसी है सरकार पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर स्टेट सबको बेसिक इनकम देगा तो वो एजुकेशन पर खर्च करेंगे, हेल्थ पर खर्च करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ लोग बेसिक इनकम का पैसा खर्च करेंगे शराब पीने में, तंबाकू का सेवन करने में या फिर ड्रग्स लेने में, तो इससे तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फायदे के बजाय। नेक्स्ट, पॉपुलेशन साइज देखो बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी स्कीम चलाने के लिए क्या सरकार के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं? और देखो ऐसा नहीं है ना बात एक बार की है, हर महीने पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सरकार शुरुआत कर देती है, बाद में सरकार को लगता है नहीं हर एक महीने पैसा देना पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमी पूरी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो जाएंगी, तो सरकार बाद में बंद नहीं कर सकेगी। एक बार लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो गया उसके बाद तो वो सड़कों पे आ जाएंगे अगर ये स्कीम बंद कर दी गई तो। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सबसे लास्ट में वर्कर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अभी देखो वर्कर्स को काम करना पड़ता है, उन्हें पता है जीवन यापन करने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन एक बार सबके पास पैसा होगा, कुछ बेसिक इनकम होगी अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उनको सिर्फ वो अट्रैक्टिव काम करेंगे,
इससे मार्केट में जो वर्कर्स की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है, वो कम हो जाएगी और देश की इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स की बात की। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की बात की जाती है। इस इकोनॉमिक सर्वे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक पूरा चैप्टर था। इस चैप्टर में तीन अल्टरनेटिव्स बताए जाते हैं। पहला अल्टरनेटिव, मान लीजिए ये इनकम हायरार्की है, ये ऊपर के 25% है, नीचे के 75% है। इनकम हायरार्की की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 कहता है एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है, जो बॉटम 75% लोग हैं इनकम हायरार्की में, उनके लिए ये स्कीम चलाई जाए। दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है सिर्फ वुमन के लिए चलाई जाए, तो ऑलमोस्ट 50% लोगों के लिए ये स्कीम चलेगी हमारे देश में। और देखो, वुमन के लिए स्कीम चलाई जाएगी तो बहुत सारे फायदे भी होंगे, क्योंकि वुमन ठीक से पैसों का इस्तेमाल करेंगी। यानी एक जो आर्ग्यूमेंट हमने डिस्कस किया था, शराब पीने में, तंबाकू का सेवन करने में पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सिर्फ वुमन को पैसे दिए जाएंगे तो वो आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा। तीसरा अल्टरनेटिव, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरुआत में चलाई जा सकती है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जैसे विधवाओं के लिए, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए, ओल्ड लोगों के लिए, या फिर डिफरेंटली एबल लोगों के लिए। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं समाज में, उनके लिए शुरुआत में ये स्कीम्स चलाई जा सकती हैं और धीरे धीरे इस स्कीम का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीन अल्टरनेटिव्स दिए गए थे इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल ब्रेग्जिट से संबंधित है, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 29 मार्च 2019 की डेडलाइन थी, इससे पहले पहले डील साइन करनी थी ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के साथ, कि हम जब अलग होंगे यूरोपियन यूनियन से, हमारे रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ इस प्रकार के होंगे, गुड्स सर्विसेज एंड इंडिविजुअल्स की मूवमेंट इन टर्म्स पे होगी, इस प्रकार से होगी। लेकिन देखो, 29 मार्च परसों है, आपको पता है अभी तक कोई भी डील साइन नहीं हो सकी है ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन के साथ, कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होता है तो उसके बाद ब्रिटेन के रिलेशन होंगे कैसे यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के साथ। अगर देखो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो जाता है और कोई डील साइन होती ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के लिए ब्रिटेन तो कोई दूसरा कंट्री बन जाएगा ना, जैसे इंडिया है वैसे ही ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के लोग जब यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के देशों में जाएंगे, तो वहां पे पहले तो क्या हुआ करता था, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती थी, लेकिन अब वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी, ब्रिटेन से जो माल जाएगा यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में वहां पर टैरिफ लगेगा, यानी बहुत सारी जो चीजें हैं एकदम से चेंज हो जाएंगी। इससे यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के लोगों को भी परेशानी होगी और ब्रिटेन के लोगों को भी परेशानी होगी। इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी प्रकार से कोई डील साइन हो जाए, लेकिन 29 मार्च तो आ गया है, इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने अब डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, 12 अप्रैल तक अब मौका दिया गया है ब्रिटेन को कि आप कोई ना कोई डील साइन कर लीजिए। और ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे, उन्होंने देखो दो बार एग्रीमेंट रखा था वहां पे पार्लियामेंट के सामने कि हम इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ उनसे अलग होने के बाद, लेकिन उन दोनों एग्रीमेंट्स के प्रारूप को, ड्राफ्ट को रद्द कर दिया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। अब पूरी प्रोसेस को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया है। तो कोशिश ये की जाएगी कि 12 अप्रैल से पहले कोई ना कोई डील साइन कर ली जाए यूरोपियन यूनियन के साथ। ब्रिटेन थोड़ा और टाइम भी मांग सकता है, कह सकता है यूरोपियन यूनियन को कि हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए आप। तो ये तो देखो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज की मर्जी है कि ब्रिटेन को और टाइम दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन ये भी मांग कर सकता है ब्रिटेन से कि आप पहले यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको और टाइम देना है या फिर नहीं देना है। तो एक प्रकार से ब्रेग्जिट से संबंधित इशू में पूरा मैस हो चुका है। ब्रिटेन बाहर आना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, लेकिन कोई डील साइन नहीं हो पा रही है। बाहर आने के बाद रिलेशंस किस प्रकार से होंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, इस इशू पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्रेग्जिट के बारे में।
ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने तीन इश्यूज पे फोकस किया, सबसे पहले आधार पेमेंट्स ब्रिज सिस्टम, दूसरे नंबर पे हमने मिनिमम इनकम स्कीम के बारे में डिस्कस किया, और तीसरे नंबर पे हमने ब्रेग्जिट के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।